नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप खबरें विस्तार से। टोंक जिले के उनियारा उपखंड के बनेठा कस्बे में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत बीएलओ सजा गए। बीएलओ मनोज जैन और हेमराज चोपतार ने बताया, बनेठा कस्बे में कुल 6 बूथ बनाए गए। सभी बीएलओ बड़ी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। जहां एक ओर बुधवार शाम से लोकसभा चुनाव प्रचार पर विराम लग गया, बीएलओ मतदाताओं को वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए घर घर जाकर जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। बाजार में चाय की थड़ियों पर लोगों को 26 अप्रैल को वोट डालने का आग्रह किया जा रहा है। बीएलओ द्वारा प्रत्येक बूथ पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की गई, ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई कमी महसूस न हो। लोकसभा चुनाव का द्वितीय चरण का चुनाव कार्यक्रम बड़े ही जोर और शोर के साथ सारे बीएलओ पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद होकर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए सभी को प्रेरित कर रहे हैं। कल यानी कि 26 अप्रैल को राजस्थान में लोकसभा चुनाव का द्वितीय चरण है और ये चुनाव हम सभी बीएलओ मिलकर सभी को इसी प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं कि एक वोट की कीमत हमारे लोकतंत्र में कितनी महत्वपूर्ण है। सारे बीएलओ, ग्राम पंचायत बनेठा के बीएलओ सारे मिलकर सभी मतदाताओं को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। जिस प्रकार आपके घर में विवाह का कार्यक्रम एक बहुत ही मांगलिक कार्यक्रम माना जाता है, ठीक उसी प्रकार भारत के मंदिर का, जो कि लोकतंत्र का चुनाव ये है, उसमें हम सभी बीएलओ मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कल मतदान हो और आने वाले हमारे इस चुनाव के माध्यम से हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत हो। सभी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, इसी के लिए हम सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं और हमें पूर्ण उम्मीद है कि कल राजस्थान के द्वितीय चरण में जो बाकी बचे जिले हैं वो निश्चित रूप से एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और कल जिस उल्लास और उमंग के साथ वोटिंग होने वाली है वो हम सभी के लिए ऐतिहासिक होगी। मैं पुनः भारत के लिए यही शुभ मंगल कामनाएं करता हूं कि कल का दिन हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक दिन हो और सभी मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। सभी बीएलओ ने सभी मतदाताओं को पर्चियां वितरित कर दी है और फिर भी किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो हम सभी बीएलओ मतदान केंद्र पर मुस्तैद रहेंगे और निर्वाचन विभाग की ओर से, पूरे प्रशासन की ओर से, हमारे उपखंड उनियारा की ओर से इतनी शानदार व्यवस्थाएं प्रत्येक मतदाता के लिए की गई है, चाहे वो लाइट की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, हर प्रकार से रैंप की सुविधा हो। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई मतदाता किसी भी परिस्थिति में अगर असमर्थ लगेगा तो हम निश्चित रूप से उसको लेने वहां भी जाएंगे और उसका वोट कास्ट करवाएंगे, ताकि हमारा देश मजबूत हो। भारत माता की।